समय बहुत कीमती होता है, इसका क्या मतलब है? सर, हाँ, वेरी गुड। इसका मतलब है आजकल वॉचेस बहुत महंगी हो गई है। सॉरी सर। रोहित केवल, उठो। तुम दोनों मेरी क्लास में सो रहे हो? कहाँ सर, आपकी आवाज सुन के नींद ही कहाँ आती है। हाँ, अब अगली क्लास में सोना पड़ेगा। पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे। सर, हमारी सारी पढ़ाई हो चुकी है। अच्छा, तो इस कहावत का मतलब बताओ। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सर, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछते हो आप। द आंसर इज मोंटूवस। मोंटूवस? क्योंकि मोंटूवस से तो एक काम होता नहीं है, लेकिन वो सारा ब्लेम हम पर डालते। साइलेंस, गलत जवाब। यही पढ़ाई की है तुमने? अब रोहित, तुम्हारी बारी। काम का नकाज का दुश्मन अनाज का। हाँ, उसका मतलब ये। सर, इसका मतलब मैं बताऊंगा। इसका आंसर है रोहित केवल। रोहित केवल? हाँ, ये दोनों दिन भर मेरे पैसे का पिज्जा बर्गर खाते हैं, पर काम इनसे एक भी नहीं होता। पता नहीं तुम लोगों को पढ़ा के मेरा क्या होगा। सर, मुझे पता है क्या होगा। क्या होगा? कुछ भी नहीं। साइलेंस। चलो बाहर। गेट आउट, एक्सिट, गेट आउट। चलो, कुछ नहीं होगा। तो मैं इस पेड़ की टहनी पे लटक कर बच गया, लेकिन मुझे किसी भी तरह ऊपर पहुंचना होगा। देखा, देखा, ओ परी भयंकर, देखा, बच गया ना बालवीर। बच गया? अब नहीं बचेगा। बार बार मुझ पे वार कौन कर रहा है? अब कैसे बचोगे इस खाई में गिरने से बालवीर? अब तुम्हारे जीवन का खेल खत्म, और अब तुम्हारे बाद मैं पाल परी के जीवन का खेल भी खत्म कर दूंगी। ये टहनी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, इसलिए मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तबा तबा, मुझे दिखाओ कि बाल परी के क्या हाल है। लेकिन बालवीर, तुम उसकी चिंता मत करो, बालवीर अब नहीं बचेगा। अरे है चिंता तो मुझे आपकी, मतलब वो दिखाता, मैं हूँ दिखाता। शमा, जीवन सितारा, एक बात याद रहे बात, इस जीवन सितारे का उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है। नहीं, नहीं, ये सही समय नहीं है जीवन सितारे का उपयोग करने का। What did you do?
ठीक तो है ना? शुक्रिया चल बोली तुम्हें, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ नितिन, इतना परेशान क्यों है? नहीं कोई बात नहीं। नहीं नितिन, कुछ तो बात है, क्योंकि जब क्लास में सब लोग हंस रहे थे तब तू उदास था, क्यों? नहीं सच में कुछ नहीं है। ए अत्ता माजी फटकली, सच सच बोल क्या है? वो दो दिन बाद से मैं स्कूल नहीं आऊंगा। क्यों, तू कहीं बाहर जा रहा है? नहीं मैं स्कूल से जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है। अच्छा माजी फटकली, ऐसे कैसे हो स्कूल वाले तुझे निकाल सकते हैं? क्योंकि मैंने दो साल से स्कूल की फीस नहीं भरी है। दो साल से? क्यों नितिन, तेरे पापा कहीं बाहर गए हैं? वो मेरे पापा भगवान जी के पास चले गए। और मम्मी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मेरी स्कूल की फीस भर सके। इसलिए मुझे स्कूल से जाना ही पड़ेगा। नहीं नितिन, तू हमारा दोस्त है और हम अपने दोस्त को कहीं नहीं जाने देंगे। हाँ, और हम सर से बात करेंगे। हाँ, हाँ। समय हो गया बालवीर को गए हुए, पता नहीं वो उन खतरों का सामना कर पा रहा है या नहीं। हाँ रानी परी, जब तक बालवीर नहीं आता हमें बाल परी की अमर संस्कार दीक्षा को रोकना ही चाहिए। हाँ। रानी परी, अगर बालवीर को आने में समय लग गया और उससे पहले बाल परी बुरी परी बन गई तो? परियों, आगे बुरा होगा इसलिए हमें अभी अच्छा होने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ परियों, विस्तार परी बिल्कुल ठीक कह रही है, और अभी तक बालवीर ने जीवन सितारे का उपयोग नहीं किया। इसका मतलब ये है कि बालवीर विनाश लोक के हर खतरे को पार करके आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए परियों, जब तक बालवीर विनाश लोक से वापस लौट कर नहीं आता हमें बाल परी के अमर संस्कार दीक्षा को टालना ही चाहिए। जी। लो, खुदा पहाड़ और निकली छुईया। अरे टाल दिया इन्होंने तो बाल परी का अमर संस्कार। अभी तो टाल दिया है लेकिन बहुत देर तक टाल नहीं पाएंगे। कैसे? अब इस असत्य जल से बाल परी का ऐसा रूप दिखाऊंगी इन सबको कि इन सब परियों के होश उड़ जाएंगे। नो 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 नो, सॉरी बच्चों, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं सर। सर, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो नितिन को स्कूल से ना निकाले। प्लीज सर। शायद तुमको नहीं पता है लेकिन प्रिंसिपल सर ने पहले भी काफी फीस माफ की है, लेकिन अब बेटा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन सर, कोई तो तरीका होगा जिससे नितिन की पढ़ाई खराब ना हो। एक रास्ता है। क्या? अगर नितिन की मम्मी पिछले 3 महीनों की फीस भर दे तो मैं कुछ संभाल सकता हूँ। लेकिन सर, मेरे मम्मी के पास पैसे नहीं है। अगर मेरे मम्मी के पास पैसे होते तो मेरी फीस पहले ही भर देते। फिर तो बहुत मुश्किल है। क्या करें? जागो बाल परी के अंदर की बुराई, जागो जागो, बाहर आओ और दिखाओ अपनी शक्ति। रानी परी, बालवीर विनाश लोक में बिल्कुल अकेला गया है, काश हम सब भी उसकी कोई मदद कर पाते। परियों, हमें बालवीर की वीरता पर पूरा विश्वास है। बालवीर पर भरोसा है तुम सबको? बालवीर पर? उसका विनाश तो भयंकर परी विनाश लोक में ही कर देगी।
लेकिन उससे पहले मैं तुम सबका विनाश कर दूंगी। बालपरी, अपने आप को संभालिए। आप ये क्या कह रही हैं? वही कह रही हूँ जो सच है। और तुम कौन होती हो मेरे जीवन का फैसला लेने वाली? और तुम सब बहुत गलतियां कर ली है तुम सबने। अब वक्त आ गया है तुम सबको अपनी गलतियों के बारे में बताने का। कितना अच्छा लगता है जब ये सारी परियां आपस में लड़ती हैं। इनका लड़ना ही बुराई की जीत है। ओ कीजिए हंसना बंद और कीजिए रोना शुरू। क्यों, क्या हुआ? देखिए गया बच बालवीर। ये आगे का रास्ता शतरंज के खेल की तरह सफेद और काले खानों में क्यों बटा हुआ है? जरूर इन सब का भी कोई मतलब होगा, पर क्या? ये क्या? चाबी, चाबी है किसकी? वहां उस चट्टान पे बिल्कुल इस चाबी जैसा निशान बना हुआ। किसी खाने में रास्ता है तो किसी खाने में खाई, पर ये बात किसी के समझ ना आई। इसलिए रहना तुम सावधान हरदम, क्योंकि हो सकता है ये तुम्हारा आखिरी कदम। बालवीर अब इस रास्ते से आगे नहीं आ पाएगा। मैं जानता हूँ यहाँ पे हर कदम पे खतरा है, पर कैसे पता लगा कि कौन से खाने पे खतरा है और कौन से खाने में आगे बढ़ने का रास्ता? कैसे, क्या करूं मैं, क्या करूं? अरे कर लो चाहे जितनी कोशिश, पर आकर रहेगा बालवीर और लेकर रहेगा बालपरी का जीवन शक्ति तारा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
आगे कैसे जाऊं, कैसे पता लगाऊं कि कौन से रास्ते पे खतरा है और कौन सा आगे बढ़ने का रास्ता, कैसे? चाहे कुछ भी हो जाए, हमें नितिन के लिए पैसा तो लाना ही होगा। लेकिन इतने सारे पैसे हम लाएंगे कहाँ से? हाँ, इतने सारे पैसे तो हम मम्मी पापा से भी नहीं मांग सकते। हाँ। चलो 50 का 500। अरे वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो तो आगे जाके देख के ही पता चलेगा ना। चलो चलो लगाओ, 100 का 1000, 100 का 1000, 50 का 500। चलो मैंने तो पहले ही कह दिया था, अब चलो यहाँ से। हाँ चलो, ये सही जगह नहीं है। एक मिनट, अब यहाँ तक का थोड़ा सा देख लेते हैं ना। लेफ्ट, गलत, राइट में। देखा? हाँ, लेकिन सचिन एकदम सही कैसे बता रहा है? तूने ये गेम इससे पहले कभी खेला है क्या? माजी फटकली, मैं ये सब गेम नहीं खेलता। ये सब तो बस नजरों का कमाल है, और सचिन की नजर ना बड़ी तेज है। पर इस वक्त नजर के जगह कान खोल के सुन कि हमें घर जाने में देर हो रहा है। चलो मैं लास्ट 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 मेरा एक गलत कदम भयंकर परी तक पहुंचने के मेरे सफर को यहीं पे खत्म कर सकता है, और यहाँ पे मेरी कोई मदद भी नहीं कर सकता। पर अब मैं क्या करूँ, कैसे पार करूं इस रास्ते को, कैसे? मैं इन बेलों को रस्सी की तरह इस्तेमाल करके यहां इस रास्ते पे बिना कदम रखे इस रास्ते को पार कर सकता हूं। लेकिन ये बेल मुझ तक पहुंचेगी कैसे? मिल गया रास्ता। ये क्या कर रहा है बालवीर? ने कदम पीछे क्यों बढ़ा रहा है? रास्ते को पार कर लिया। वाह, गया बचपन वीर। अरे होगा क्या मार कर पूछे? अगर है आपका इतना ही मन बालवीर को हराने का, तो जाइए, जाइए उसके सामने और कीजिए उसका मुकाबला। नहीं, मैं बालवीर के पास नहीं जाऊंगी। इस बार बालवीर मेरे पास आएगा बाल परी के जीवन शक्ति तारे को पाने के लिए।